हेलो व्यूअर्स, दिस इज राजन, यू आर वॉचिंग जी सर्च। आज मैं कुछ ना बोले तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग से शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्या होता है लाइफ। ठीक है, मेरा शक्ल में मत आइए। ठीक है, ये मेरा शक्ल अभी जो है दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं कुछ दूसरा आदमी को फोटो आपको मैं आप लोग से शेयर करूंगा और उसके बाद मैं ये स्टोरी शेयर करूंगा क्यों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा किस लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फोटो देख रहे हैं ना अभी स्क्रीन पे, इसका नाम है जॉयदीप। ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। तो कुछ साल पहले इसको भी दिमाग में ये नहीं था क्या इसके पास 50 लाख का घर होगा, और ये घर खुद बनाया, बोले तो वो खुद खरीदा कुछ साल पहले। अगर मैं चला जाऊं 6 से 7 साल पहले, जब वो स्टार्ट किया था मेरे साथ ही, वो स्टार्ट किया था मिडिल ईस्ट लाइफ। उसके बाद वो ज्वाइन किया था आइडा क्रूज में, जो यूरोपियन क्रूज है, हम लोग सबको पता है यूरोपियन क्रूज है। और आइडा का जो सैलरी स्केल है उतना अच्छा नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये स्टार्ट किया था मिडिल ईस्ट कंप्लीट करने के बाद, आइडा से स्टार्ट किया था। आइडा में कुछ साल, 3 4 साल काम किया था। अभी वो आरसीएल में जॉब करता है। ठीक है, तो लोगों को पता है आरसीएल जॉब मिलना कितना आसान कितना डिफिकल्ट होता है आरसीएल में। ठीक है, और उसके बाद सीओडी वीजा। क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ पता है? कल से आज तक मैं 3 मैसेज रिसीव किया है जिसका सीओडी वीजा रिजेक्ट हो गया, और कुछ आदमी का बोले तो कुछ मेरा व्यूवर्स जो है उसका इंटरव्यू होने वाला है नेक्स्ट वीक, और 18 को शायद, 18 और 20 को शायद है। मेरा बहुत क्लोज व्यूअर्स है तो इन लोगों का है C1D वीजा इंटरव्यू। तो ये जो रिजेक्ट हो गया 3 दिन से, मेरा बोले तो 2 दिन में मेरे को 3 मैसेज आया है जिसका रिजेक्ट हो गया मुंबई से BKC में। तो मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ, देखिए C1D वीजा जो है ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोग सोचते रहते हो ना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप बस जो कॉन्सुलेट आपको इंटरव्यू ले रहा है उसका बात आप ध्यान से सुनो, उस बात का आंसर दो, बस ये है आपका ड्यूटी। ये अगर आप सही से कर पाया तो आपका वीसा अप्रूव हो जाएगा, और ये काम आप सही से नहीं कर पाओगे तो आपका वीसा रिजेक्ट हो जाएगा। जितना कोशिश आप करो आपका वीसा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उधर जाने का बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तो उसलिए आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, आपका जो अंदर का जो जज्बा है ना उसको जगा के रखो। वो लोग आपसे कुछ ऐसा बात नहीं पूछेगा जो डिफिकल्ट है, जो मान लीजिए रॉकेट साइंस है, आपको साइंस कंप्लीट करना पड़ेगा नहीं तो ये मार्क्स नहीं मिलने वाला है, 80% आपको गया, ऐसा कुछ बात नहीं है भाई। आपके पास एलओई है, एलओई को हाथ में लो और एलओई का जो डिटेल्स है उसको दिमाग में घुसा के रखो, बस ये आपका ड्यूटी है। और जो सेकंड ऑप्शन है, किसी भी हालत पे आप उसको बोलो मत क्या मैं यूएस जाके रुक जाऊंगा, उधर मेरा फ्रेंड है, ये है वो है, मेरा फ्रेंड सर्कल में कोई है, मेरा फैमिली सर्कल में कोई है। ये बात अगर आप एक बार जवान से ले लिया तो आपका वीजा 100% रिजेक्ट। ठीक है, ये ध्यान से रखिए, आपका कोई आदमी, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड सर्कल में यूएस में नहीं है। आप एक ही बार में उसको बोल दो, आई हैव टू अर्न मनी एंड आई हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट्स वाई आई चूज दिस पोजिशन। और एक बात क्या है, जो एलओई में आपका पोजिशन है, बोले तो जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को फॉलो करो, आपका ज्वाइनिंग पोर्ट देख लो कौन सा जगह से आप ज्वाइन करने वाला हो। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग डेट देख लो कौन सा डेट में आपका ज्वाइनिंग है। ठीक है, और आपका जो शिप है शिप का नेम क्या है, कभी कभी ये लोग शिप नहीं बोलता है, ये लोग वेसल बोलता है। ठीक है, जब कॉन्सुलेट आपको पूछेगा विच वेसल यू आर ज्वाइनिंग तो तब शिप का नाम बताओ, वेसल शिप इस जो कन्फ्यूजन है ये सब दिमाग में मत रखिए। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सुलेट वाला का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट बोले तो वो लोग थोड़ा फास्ट बात करता है,
वो लोग वाटर को वाटर बोलता है तो आपको पता नहीं चलेगा वो क्या बोल रहा है, बटर को बटर बोलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आर नहीं रह गया पीछे। तो ये जो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है ना, इसमें बहुत आदमी का रिजेक्ट हो जाता है। और वो जाने का बाद एक बात मैं एकदम क्लियर कट बात बताता हूँ, क्लियर एकदम क्लियर, ये कुछ खराब लगने का बात नहीं है। जितना भी कैंसिल होता है ना यूएस वीसा C1D के लिए, जितना भी कैंसिल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैली का कैंसिल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा किचन वाला का ही कैंसिल होता है। किचन छोड़ के किसी का भी कैंसिल नहीं होता है। आप अगर अच्छा से देख लीजिए, कितना भी आपका फ्रेंड सर्कल में है उसका नाम नोट कीजिए और अभी परसेंटेज निकालिए, 100% के अंदर आपको 80% किचन का बंदा होगा जिसका कैंसिल होता है। इसका रीजन क्या पता है? इसका रीजन होता है उसका ट्रांसलेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन। इसके लिए अब लोग क्या होते हैं ना, वो कैंसिल हो जाता है। कोई फ्रंट डेस्क में काम करने वाला रिजेक्ट नहीं होता है, सर्विस का जो वेटर होता है रिजेक्ट नहीं होता है, बार का जो वेटर है रिजेक्ट नहीं होता है, जो हाउसकीपिंग वाला अटेंडेंट रहता है वो रिजेक्ट नहीं होता है। कैंसिल किस लिए होता है? गैली वाला होता है, और गैली से ज़्यादा रिक्रूट होता है इंडिया से। तो कोई भी बात, अगर आपका कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में कैसे करूँगा क्या करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो थिंकिंग है आपका दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है? ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोचा है तो। इसलिए मैं इसका फोटो आज आप लोग से शेयर किया है। देखिए मेरा स्क्रीन पे इसका शक्ल दिख रहा है? मेरा तो शक्ल बहुत अच्छा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना। इसका शक्ल मेरा जैसा नहीं है ना, बट देखिए इसका शक्ल कैसा है, चुतिया जैसा दिखने में ना ना, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेस। 50 लाख का घर सोच रहा है 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो भी खुद नहीं सोचा था कि उसके पास 50 लाख का घर होगा, और आज उसके पास है घर। समझ में आ रहा है? तो अगर ये लड़का कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा बात नहीं है कि मैं बना बना के बात कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा मौका होगा ना आप, मैं उसको दिखा दूंगा, उसका रजिस्ट्री वाला पेपर आपको दिखना है ना वो भी मैं दिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में रखिए, अगर आप सोच लिया ना मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकता है, और अगर आप सोच लेंगे मैं काम नहीं कर सकता हूँ तो आप कभी नहीं कर सकता है। तो आप पहले से ही सोच लिया दिमाग में ये मेरे से नहीं होगा। ये एक अभी जो मेरा पीछे दीवार देख रहा है ना, जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ जयदीप, कभी उसका मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा उसको कमेंट करने के लिए इस वीडियो का पीछे। कुछ साल पहले ये दीवार भी इधर नहीं था, ये जो मेरा पीछे दीवार दिख रहा है, क्योंकि मेरा घर में वो आया था, उसको पता है, ठीक है? तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्या ये आपसे नहीं होगा? आप नहीं कर रहा चाहता है वो, इसलिए आपसे नहीं होगा, ये एक अलग बोले तो टॉपिक है, ठीक है? बट अगर आप सोचेंगे ना मैं कर सकता हूँ तो ये आप कर सकते हो। तो कोई भी बंदा जिसको भी C1D वीज़ा फेल हो रहा है, ये वीडियो उसके पास भेज दो भाई। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपका वीज़ा फेल हो गया तो ये आपका लाइफ सेस नहीं है, बोले तो ख़त्म नहीं है, फिर ट्राई करो। किस लिए फेल हुआ है वो मेरे से अच्छा आपको पता है। आप ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ना, आप शेयर नहीं कर सकता है, आप जाके नहीं बता सकते हो भाई उसको जो क्वेश्चन पूछा मेरे को समझ में ही नहीं आया। जो डिफिकल्टी आपके साथ हुआ है वो आपको ही पता है, मेरा पता नहीं है। वो डिफिकल्टी अगर आप अच्छा से देखोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे, तो वो आप ही कर सकते हो, और आप ही कर सकते हो नया वीजा अप्लाई करने के लिए। समझ में आ रहे ना? आप लोग अभी ऐसा पता नहीं चल रहा है, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, और ये जहां पे अभी जाने वाले हो, ये कितना डिफरेंस है। आप अगर 20,000 कमा रहे हो इंडिया में, आपका एक ही बार में सैलरी 1 लाख का ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ ये 50, कहाँ 20,000, कहाँ 1 लाख। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। और जाके उधर देखो कितना बूढ़ा बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, तब आपको पता चलेगा किस लिए वो लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और शकल पे मत जाइए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, शकल पे मत जाइए। ऐसा चूतिया चूतिया बंदा भी करोड़ों कमा रहा है क्रूज से, करोड़ों कमा रहा है, और उसका जीता जगता हुआ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया है, ये लड़का देखो। समझ में आ रहा है ना? तो कभी शक्ल पे मत जाइए, अपने काम का ऊपर फोकस कीजिए, और आपका काम आपको पता है कैसे और बेटर करना चाहिए। मेरा जो कमियां है मेरे को पता है क्या क्या कमियां मेरा अंदर है। समझ में आ रहा है ना? उसको डेवलप करने के लिए
कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो जो भी C1D वीज़ा के लिए अभी रिजेक्ट हो रहा है, सबका दिमाग में घुसा लो ये वीडियो, सबके पास शेयर कर दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस LOE पढ़ लो और थोड़ा सा ऐसा होगा तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो, अमेरिका न्यूज़ चैनल देखो, ताकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, उसको आपका दिमाग तक जाना चाहिए। अमेरिकन कॉन्सुलेट वाला बहुत फास्ट बात करता है, आपके पास 2 मिनट ही रहेगा 3-4 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो उतना फास्ट आपको होना पड़ेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उतना हाई रखना पड़ेगा, ताकि आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर सकते हो, तब आपका रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद कभी छोड़ो मत, ठीक है, ये आपके आप छोड़ के आपका भलाई कोई नहीं कर सकता, ये दिमाग में रख लो। और मेरा वीडियो तो शेयर करो और इसको बार बार देख लो। ये लड़का को 50 लाख का घर लिया है, 50 लाख का घर लिया है, उसका बाप भी नहीं सोचा था ये कभी 50 लाख का घर लेगा, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ आपसे, समझ में आ रहा है? तो जो भी अभी मेरे को वीडियो देख रहे हैं ना, ये शेयर कर दो और आपसे ही होगा, आपका जो काम आपसे ही होगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। आपका जो माइनस पॉइंट है उसको प्लस ले जाने का जो ड्यूटी है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए, देखते रहिए जी सर्च, साथ शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च।